हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं आदर्श इन नॉलेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी छात्र छात्रा 2023 में 12th पास किए हैं उन सभी छात्र छात्राओं को अब इंतजार है ग्रेजुएशन पार्ट वन में एडमिशन कब होगा, उनका एडमिशन ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा या ऑफलाइन माध्यम से लिया जाएगा, उनके एडमिशन में कितना रुपया लगेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और उन लोगों का CLC और मार्कशीट कब मिलेगा, ये सारी जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर ले ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे LNMU यूनिवर्सिटी का एक पेपर का कटिंग मेरे पास है जिसमें साफ साफ लिखा गया है स्नातक प्रथम खंड में नामांकन की तैयारी शुरू। इसमें नीचे लिखा गया है दरभंगा निजी प्रतिनिधि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम खंड सत्र 2023-26 में नामांकन की प्रक्रिया इस माह से शुरू हो सकती है, इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय 4 जिलों दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय के स्नातक प्रथम खंड में नामांकन ले सकेंगे। स्नातक स्तर पर 37 विषयों की पढ़ाई होती है। फ्रेंड्स, इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि आप लोगों का एडमिशन की प्रक्रिया जो है इसी माह अप्रैल में ही शुरू की जाएगी। फ्रेंड्स, आप लोग निश्चिंत रहे, आप लोगों का एडमिशन की प्रक्रिया जो है सो अप्रैल के लास्ट वीक तक जो है सो शुरू कर दी जाएगी। उससे पहले फ्रेंड्स, आप लोग जो है कुछ डॉक्यूमेंट को तैयार रखना जरूरी है। फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है सो जाति आवासीय आय ये तीनों डॉक्यूमेंट अभी से ही बनवाने के लिए दे देना चाहिए क्योंकि उस डॉक्यूमेंट को बनाने में आप लोगों को जो है सो 10 दिनों का टाइम लगता है। और दूसरा जानकारी फ्रेंड्स, आप लोगों को कॉलेज जाके पता कर लेना है कि आप लोगों का CLC और मार्कशीट कब वितरण होगा। और जैसे ही आप लोगों का CLC और मार्कशीट वितरण हो, आप लोग जो है अपने कॉलेज जाकर अपना अपना मार्कशीट और CLC ले आए ताकि आप लोगों को पार्ट वन में एडमिशन करने टाइम कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं आप लोगों को जो है पार्ट वन में एडमिशन के टाइम कितने रुपये देने होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जिसमें आप लोगों को 500 रुपये लगेंगे। और फ्रेंड्स, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा देंगे तो उसके बाद जो है सो LNMU के द्वारा एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। उस मेरिट लिस्ट में जिस भी कॉलेज में आप लोगों का नाम होगा उस कॉलेज में जाके आप लोगों को एडमिशन करवाना होगा। सभी कॉलेज का जो है एडमिशन चार्ज अलग अलग लगता है। आप लोगों को जो है सो 1000 से लेकर 1500 तक का चार्ज लग सकता है। फ्रेंड्स, लमसम 1000 से 1500 के बीच ही चार्ज लगता है। कोई कोई कॉलेज में जो है सो 1500 से 2000 के बीच आप लोगों का चार्ज लग सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग जो है जाति आवासीय आय बनवा लें ताकि आप लोगों को जो है सो एडमिशन करते टाइम दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अन्यथा जब आपका एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उस टाइम में आप लोग जाति आवासीय आय बनवाने जाएंगे तो आप लोगों को जो है सो 10 दिन का वेट करना पड़ेगा। ऐसे में आप लोगों का जो है एडमिशन छूट भी सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है सो जाति आवासीय आय जरूर बनवा लें। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को पार्ट वन में एडमिशन करते टाइम लगेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों को जो है सबसे पहले तो आधार कार्ड जो है लगेगा, उसके बाद जो है जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र तीनों का जो है फोटोकॉपी लगेगा, उसके बाद जो है सो आप लोगों का CLC लगेगा, उसके बाद मार्कशीट लगेगा, उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी करके रख लें। आप लोगों को जो है सो एडमिशन की प्रक्रिया इसी माह शुरू कर दी जाएगी। आप लोगों का डॉक्यूमेंट रेडी रहेगा तो आप लोगों को जैसे ही एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी उसी टाइम आप लोग अपना एडमिशन करना दिक्कतों के करवा पाएंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।